Assalamualaikum. चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़ा। कई चीजें ऐसी हैं हमारे व्यूवर्स के, जब से हमने ये चैनल शुरू किया है, जब से उनके कमेंट्स आते हैं, वो था हमारा लौंग चूड़ा जो हम उसकी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, दूसरा है ये शाही टुकड़ा, और एक चीज जो आगे बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़ा। शाही टुकड़े के लिए हम बनाने वाले हैं चाशनी। चाशनी के लिए आप हैवी बॉटम इस तरीके का कोई भी पैन ले लीजिए, हो सके तो फैला हुआ ले लीजिए, हमारे पास यही था, कम फैला हुआ हमने यही सॉस पैन ले लिया है। हम इसके अंदर मेजरिंग कप से नाप के 3 कप चीनी डालेंगे, वजन में ये हमारी 600 ग्राम है, तो हम ये इसमें डाल देते हैं। 2 कप डाल दिए और हम ये इसमें डाल देते हैं 3 कप। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे चीनी से थोड़ा कम 1/2 kg, 1/2 लीटर पानी नाप कर ही डाल देते हैं हम इसमें। ये हमारा 1/2 लीटर पानी। अब हम क्या करते हैं, इसको स्लो फ्लेम पे पकने रखते हैं, जैसे ही इसकी चीनी घुल जाएगी तो हम इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो हम इसको सबसे पहले रख देते हैं। इसके अलावा हमें इसमें चाहिएगा फूड कलर, कोई भी लिक्विड भी फूड कलर ले सकते हैं, जर्दे का कलर भी बोल के ले सकते हैं। हमें बिल्कुल अपने जामा मस्जिद एरिया की ट्रेडिशनल बनानी है, तो बिल्कुल हम ये फूड कलर उसमें डालेंगे, उसमें ये डलता है। उसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास है ये इस तरीके की होती है। हमने इसका एक छोटा सा पीस तोड़ लिया है, और जिस तरीके से इसको कूट के नमक पीसते हैं हमने ऐसा पीस लिया है, लेकिन ये हमें 2 से 3 ही चुटकी चाहिएगी, इसका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये आपकी किस चीज में मदद करेगी, आपका जो ब्रेड होगा, चाशनी जो होगी और ब्रेड डालेंगे तो वो आपके ब्रेड को एकदम फूलने नहीं देगी, वो एकदम फूल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो उसको कड़क और अच्छा सा बनाए रखेगी। आप चाहें तो इसकी एक चुटकी जलेबी बनाते वक्त शीरे में भी डाल सकते हैं। हम ऐसी चीजें इसलिए नहीं बताते हैं कि थोड़ी सी आपसे ज्यादा हो जाएगी तो पूरी आपकी डिश का जायका खराब हो जाएगा, तो बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए ऐसी चीजें। तो चाशनी पकने देते हैं। हमने अपनी चाशनी बनने रख दी है, वहीं आप देखेंगे हमारे पास ये ब्रेड है, बड़ी वाली ब्रेड लेनी है हमने, ये मोटे स्लाइस में ली है इस तरीके की, और हो सके तो आप ये स्लाइस कटे हुए ना हो वो ब्रेड ले लें तो बहुत अच्छा है। ये जो शाही टुकड़ा है ये एकदम से गोल थाली के अंदर सर्व किया जाता है, तो हम ये जो हमारे पास परात है भारी सी, हम इसके अंदर ही इसको सर्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं आपको बता देते हैं, जितना हमारी चाशनी पक रही है उतना हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो हम इसको यूं करके हटा देते हैं, आप चाहें तो इसको छुरी से भी हटा सकते हैं, लेकिन ये इससे बहुत आसानी से हट जाएगा। तो हम ये इस तरीके से हटा लेते हैं, 12 से 15 ब्रेड ले लें आप, और इस तरीके से हम ये सबका हटा लेते हैं, और हमें ये इसी परात के अंदर बिछाने हैं, इसमें ही हम सजाएंगे इसको। तो इस तरीके से आप इसकी तय देखें लगा के कि हमें कितना इसके ऊपर क्रीम फैलानी है, तो इस तरीके से हम इसे काट लेते हैं। स्लो फ्लेम पर चीनी को रखे हुए 12 से 13 मिनट हो गई हैं, इस वक्त चीनी बिल्कुल घुल चुकी है। अब हम क्या करते हैं इसको मीडियम फ्लेम कर देते हैं, और हम पकाते हैं मीडियम फ्लेम पे इसे 5 से 6 मिनट। मीडियम ज्यादा क्वांटिटी है तो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से उबाल नहीं आ रहा था, हमने फुल फ्लेम कर दिया था, फुल फ्लेम पे इसे 8 मिनट हो गए हैं पकते हुए। और आप देखें ये इस तरीके की है जो चमचे से एक साथ ऐसे गिरनी चाहिए, आप यहाँ से चिपका के देखेंगे इसमें कोई तार वगैरह नहीं होता है, जैसे जलेबी की चाशनी होती है सेम वैसे ही बनानी है। इस वक्त हम क्या करते हैं इसके अंदर, ये हमारे पास फूड कलर है, लिक्विड फूड कलर भी ऑरेंज ले सकते हैं, हम ये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे, और आप देखेंगे ये हम देखेंगे हमें कैसा कलर चाहिए, हमारी ब्रेड को जो बढ़िया सा कलर मिलेगा उसके लिए चाशनी का कलर बिल्कुल सही है। अब हम इसे उतार लेते हैं, साइड रख देते हैं, थोड़ा सा ठंडा होएगा तब हम इसमें वो डालेंगे फिट करी। अब हम इस पे चढ़ाते हैं एक कढ़ाई, हमने कढ़ाई चढ़ा दी है इसमें 600 ml के करीब, आप देसी घी भी ले सकते हैं और डालडा घी भी ले सकते हैं, हमारा ये डालडा है, फुल फ्लेम पर है, इतने गर्म हो रहा है, इतना हम आपको दिखा दें, हम इस वाली परात के अंदर ही फैलाएंगे इसको। तो हमने एहतियातन पूरी ही ब्रेड जो थी पूरा पैकेट काट लिया है, ये एक आध ब्रेड पे इस तरीके से लगा हुआ है तो भी हरज नहीं है। ये चाशनी भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, हमारे पास जो ये फिट करी है हम इसकी इस तरीके से यूं हाथ से ही चुटकी भरेंगे और यूं डाल देंगे, एक और ये दो और ये तीसरी चुटकी डाल देते हैं बस, और हम इसको मिक्स कर देते हैं।
और जैसे ही ये गर्म होता है हम इसमें अपनी एक एक ब्रेड या दो दो ब्रेड डालते हैं और हम उसको सेकेंगे हल्का सा बादामी कलर होने तक। देखिए फुल फ्लेम पर है ये, हम इसे डालते हैं, बिल्कुल सही है, दो डाल देते हैं, तीसरा भी डाल देते हैं, हल्का ब्राउन होने तक करते हैं इसको फ्राई और फिर डालते हैं इसको सीधा चाशनी में। ये देखें फुल फ्लेम पे हमें इसको 5 से 5.5 मिनट लगी हैं ऐसा कलर लाने के लिए, बस हम इसे फौरन निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं कलर दूसरा लाएंगे, फुल फ्लेम पर सेकना है। ये देखें कितना बढ़िया सा कलर आया है और कितना क्रिस्प है ये, मैंने इसको खामोखा हाथ लगा दिया, हाथ भी जल गया। अब हम क्या करते हैं फिर से 3 ब्रेड डाल देते हैं और फिर से बिल्कुल इसी तरीके से यही वाला कलर आने तक पलट पलट के सेकते हैं। ये देखें ये गर्म है, शीरा भी हमारा वार्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन ये हैंड टू हैंड ही हम इसमें डाल देंगे। इसकी जो छन्नी है ये आपने अलग रखनी है, इसकी अलग रखनी है, इससे यूं हल्का सा दबा दें नीचे और वो छन्नी उसी में छोड़ दें। ये वाली जो है इसको अलग रखनी है, शीरे वाली आप घी में नहीं डालेंगे, आपका घी खराब हो जाएगा। तो बस ऐसे पलट पलट के सेकते हैं हम इसे, पूरे ब्रेड सेक लेते हैं हम ऐसे। बस ये तैयार हो गए हैं, ये वाले निकाल लेते हैं और फौरन से हम इसमें डाल देते हैं और ब्रेड, और हम आपको बताते हैं कि वो जो आपने शीरे में ब्रेड डाली थी उसका आपने आपको क्या करना है। इसको हम यूं साइड रख देते हैं और ये आप देखेंगे हमारे पास ये परात है, हम इसमें से ये निकाल देते हैं। जिस बर्तन में आप फैला रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा चाशनी निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हम यूं रख देते हैं, हल्की सी हम इस पे किनारों पे यूं चढ़ा के रख देते हैं। आप देख सकते हैं ये यूं चढ़ा देते हैं हल्की सी किनारों पर। तो हम ये इस तरीके से पहले फैलाएंगे दो दो, बड़ा ध्यान रखें आप, इस तरीके से हम इसे फैलाएंगे, एक पे एक रखनी है, पूरी परात में हम इसको यहाँ तक फैलाएंगे। इसे पलट देते हैं और ये वाली जो है हमारी इसे हम इसमें डाल देते हैं। जितना आपका ये वाला बैच सिक रहा है बस इतने ही आप पहले वाले बैच को चाशनी में पड़ा रहने दें। ये देखें ये हमारे आखिरी ब्रेड हैं, बस हम इन्हें भी निकाल देते हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल इस वाले कलर के जो सबसे पहले वाला जो दिखाया था उससे थोड़ा सा लाइट ही सेका है हमने। और ये देखें, और ये इतनी देर के लिए इसी में पड़ा रहने दें शीरे में ही। बस ये निकालते हैं, ये भी शीरे में डाल देते हैं हम, और आपको दिखाते हैं हम इसका मेन और खास जो इसके ऊपर क्रीम होती है अब वो बनाते हैं। देखें इस तरीके से फैलाना बहुत ज़रूरी है। ये हमने सिंगल ब्रेड ली है और इसको हम यूं मोड़ देते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। हमने ये बीच में 3 ब्रेड रखी हैं, यहाँ पर 2 रखी हुई हैं, ये इस पर रख देते हैं, इसको भी हम इसी तरीके से मोड़ देते हैं जो पहले सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये देखें इसके ऊपर जो आप क्रीम फैलाएंगे वो बहुत अच्छे से फैलनी चाहिए, तो हम इसको यूं साइड कर देते हैं। बस अब ये पूरी अच्छे से फैल गई है, इसके ऊपर एक और ब्रेड रख के इसी तरीके से मोड़ देते हैं। कुल मिला के ये है कि आपको इसको अच्छे से सेट करना है बिल्कुल इस तरीके से। ये देखें अब ये पूरी अच्छे से सेट हो गई है, यहाँ सिंगल ब्रेड है, यहाँ पर भी एक और रख देते हैं। हम बताते हैं अब आपको इसकी क्रीम, हम कर लेते हैं इसकी क्रीम की तैयारी। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने जो ये ब्रेड रखी है इसी के साथ जो हमारे पास ये चाशनी बची हुई है इसको हम कहीं भी फिट कर देंगे जहाँ भी इसकी जगह होगी। इसके अलावा हम इस पर ये डाल देते हैं इस तरीके से, क्योंकि मीठे के नाम पर क्रीम आपकी बिल्कुल फीकी तैयार होगी, तो आप ये थोड़ा सा डाल लें, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालें। तो और ब्रेड ही आपके पूरे एब्जॉर्ब कर लिया है, ये ब्रेड ज़्यादा हैं और चाशनी नहीं बची है, तो आप बिल्कुल भी ना डालें, तब भी आपका मीठा सही रहेगा। तो बस हमने ये 10 से 12 चम्मच डाल ली है, अब हम इसे साइड कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा फुल क्रीम, दूध 1 लीटर दूध ले लिया है हमने, इसको मीडियम फ्लेम पर उबलने रख दिया है और इसमें उबाल आते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम बता देते हैं आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहला 1/2 कप ले लेते हैं हम ये अरारोट, या फिर कॉर्नफ्लोर के नाम से भी आप ले सकते हैं। जितना आपने अरारोट लिया है उससे डबल आप इसमें पानी डाल लेंगे और इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे, और हम इसको हिला के आहिस्ता आहिस्ता दूध के अंदर डालेंगे। वहीं हमें चाहिए 200 ग्राम खोया। खोए को हम कद्दूकस कर लेते हैं,
ये देखें हमारे पास कद्दूकस है, बस इस तरीके से। और खोया आपको डालना है पहले 5 मिनट दूध उबाल लेने के बाद। पहले आप दूध में खोया डाल देंगे तो आपका दूध फटने का डर है। इस तरीके से हम ये 200 ग्राम खोया कद्दूकस कर लेते हैं। ये दूध में उबाल आते में डालते हैं जो हमने कद्दूकस किया है। 200 ग्राम खोया इस तरीके से डाल देते हैं। पूरा खोया आप एक साथ बिल्कुल भी ना डालें। एक मुट्ठी डाल दिया है उबाल आते हुए में मीडियम फ्लेम पे। पहले से अच्छे से यूं मिक्स कर देते हैं। खोया आप चख के देख लें, खोए में बड़ा रिस्क होता है। आपका खोया खट्टा हुआ तो आपका दूध फट भी सकता है, या कोई और ऐसा इंग्रेडिएंट हुआ आपके खोए में उससे दूध आपका फट सकता है। तो उबाल आने के बाद डालना है, थोड़ा थोड़ा लेके डालना है इस तरीके से। जब इसमें उबाल आ जाए, डालने के बाद अब फिर से एक मुट्ठी डाल दें इसमें इस तरीके से। फिर इसको मिक्स करें। ये देखें मीडियम फ्लेम पे हमने इसे हिलाया था। जैसे ही उबाल आने को हुआ हमने फुल फ्लेम कर दिया है। फुल फ्लेम में हमने इसको 3 मिनट के लिए इस तरीके से उबाल लगा लिया है। बिल्कुल आप देखें कि इस वक्त इसके अंदर अब एक भी खोया जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है। तो बस ये हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इसमें डालते हैं कॉर्नफ्लावर। ये देखें यूं चलाते हुए इसको भी चलाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालना है। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा और। हमने आधा कप लिया है कॉर्नफ्लावर, हो सकता है थोड़ा बहुत हमें बचाना भी पड़ जाए। ये देखें एक साथ पूरा आप बिल्कुल भी ना डालें। हमने वीडियो इसलिए बीच में से कट भी नहीं की है ताकि आपको सहूलत रहे। इसमें एक भी लम्स पड़ गया तो आपकी क्रीम अच्छी दिखेगी नहीं, और कॉर्नफ्लावर अच्छे से नहीं पक पाएगा अरारोट, तो फिर ये इसके अंदर स्मेल सी आएगी जो कि सही नहीं रहेगा। फुल फ्लेम है, हम इसे अब मीडियम कर देते हैं, फिर हम इसे बाद में स्लो करेंगे। अभी इसकी थिकनेस हमें और चाहिए। 2 टेबल स्पून फिर से डालते हैं हिला के, फिर हिलाते हैं, 1 टेबल स्पून और डाल देते हैं, बस इतना काफी रहेगा। ये देखें हमें इसे स्लो फ्लेम पे इसी तरीके से चलाते हुए पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और अभी हम इसे और पकाएंगे। ये देखें यूं साइड में कर लेते हैं, वो साइड से इसको यहाँ सेंटर में कर लेते हैं। इसको कम से कम 6 से 7 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। इसकी थिकनेस अब बिल्कुल ऐसी है परफेक्ट जैसा हमें चाहिए। बड़ा ध्यान रखें आप इस चीज़ का। इसकी थिकनेस को आप यूं देख सकते हैं, थोड़ा सा भी पतला रह गया तो आपका सेट नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल टाइमिंग को अच्छे से फॉलो करें आप। बस अब हम इसके फ्लेम को बंद कर देते हैं। बस ये देखें उतारने के बाद भी फ्लेम से ये ना सोचें कि अब तो बस हो गया काम, तब भी इसको चलाते रहें। ये देखें हमने एक हाथ से चला रहे हैं और दूसरे हाथ से ये लें और ये हम इस पे डाल देते हैं। गरम गरम ही डालना है, इससे आपके ब्रेड एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगी। हम ये इस पे पूरा ही डाल देते हैं। ये देखें इस तरीके से घुमा घुमा के बड़ी खूबसूरती से डालें आप ये, और इसको ठंडा होने के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ दें, वरना ये आपका पैन में ही सेट हो जाएगा। फुल क्रीम दूध लेना भी इतना ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी और चीज़ें हैं। ये देखें पहले किनारों से यूं अच्छे से बढ़िया करके भर दें इसको। इससे डालने के बाद आप बाद में ये ना सोचें हम इससे सेट कर दें किसी चमचे से। ये देखें इस तरीके का एकदम थिक सा होने लगेगा। हाँ, इसको यूं करके आप इसको टैप ज़रूर कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से ब्रेड फैलानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तीनों कलर की टूटी फ्रूटी हमने इसको मिला लिया है। अब हम ये थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर डाल देते हैं, और जैसे ही एकदम रूम टेम्परेचर पर आएगी तो हम इसमें लगा देंगे चांदी के वर्क, हम गरम पर नहीं लगाएंगे। और आप अब इसको 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। टूटी फ्रूटी अभी ही डालें, वरना फिर ये इस पर अच्छे से चिपकेंगी नहीं। पंखे में छोड़ दें आप इसको तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगी। बस ये इतना ही डाल देते हैं हम, और अच्छे से यूँ टैप कर देते हैं। देखें इसको 1 से 1.5 घंटा हो गया है, ये कितने बढ़िया सा सेट हो गया है। इसके अलावा भी आप देखेंगे यूं दबा कर देखें तो कितना बढ़िया ये दिख रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल खास उसी तरीके से दिखाना है। तो 1-1.5 घंटे के बाद अब हमने इसको फिर से थोड़ी सी देर के लिए चूल्हे पर रख दिया है, एकदम से स्लो जो डिम होता है बिल्कुल उस पर रख दिया है। अभी आप इसका कलर देखेंगे थोड़ा सा ऐसा है। इसके ऊपर हम डालते हैं मेल्टेड देसी घी, उससे क्या होगा इसकी चमक बढ़ेगी। वहीं हमने इसके ऊपर ये 3 चांदी के वर्क लगा दिए हैं, वो आप जानते ही हैं कि उसको आपको लगाना होता है सिर्फ उसी कागज के साथ। बस हमने बीच में से एक पूरा लगा दिया है और 2 छोटे छोटे काट के ये पूरे में से लगा दिए हैं। इस पे देसी घी डालते ही आप इसकी चमक देख सकते हैं।
अब हम क्या करते हैं, आपको इसे कट करके दिखाते हैं, और देसी घी की जरूरत पड़ेगी तो हम और भी डालेंगे। तो ये हम यहां से इतना निकालते हैं। ये देखें, हमने ये पीस काट लिया है और हम ये निकालते हैं। और ये देखें, ये कितना बढ़िया दिख रहा है। और ये बिल्कुल शाही टुकड़ा, असली शाही टुकड़ा। इसकी रेसिपी पूरे YouTube पर अभी तक आप किसी को नहीं देखेंगे। और ये हम यहाँ रख देते हैं आपको ये दिखाने के लिए कि आपको इसको किस तरीके से सर्व करना है। यहाँ देखें, हम यहाँ डालते हैं थोड़ा सा घी। हमने एहतियातन थोड़ा कम ही घी डाला था, जबकि इसमें घी एकदम से दबा के डलता है। तो हम ये थोड़ा सा घी और डालते हैं और हम आपको बता दें कि आप ये किस तरीके से निकालेंगे। तो इस तरीके से आप ये लें, थोड़ी सी क्रीम लें, थोड़े से ये लें। बिल्कुल जो लोग हमारी दिल्ली जामा मस्जिद पुराने एरिया में जब आए होंगे, और गेट नंबर एक पर जगह जगह ये बहुत जगह मिलता है, और ये 12 महीने मिलता है। इसमें सर्दी या गर्मी के मौसम की कोई तय नहीं है, तो वो इस तरीके से यूं करते हैं। और ये आप इसके पकने की आवाज़ सुन सकते हैं, छुन छुन की। तो बस ये इस तरीके से यूं मिक्स किया जाता है, और ये छोटे छोटे से दोनों में इस तरीके से मिलता है। इसके रेट हमेशा देसी घी के भाव ही होते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपको ये मिला होगा जो आपने लिया होगा, लेकिन असली तरीका वही है जो हमने आपको दिखाया है कि इस तरीके से बड़ा बड़ा सर्व करें। ये देखें, इस तरीके का पलटा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके दो काम हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको काट भी सकते हैं। और ये देखें, इस तरीके से आप ये किसी के यहाँ भेजें, किसी के सामने जब आप ये रखेंगे, यकीन जानिए वो तो बस आपकी तारीफ करते करते। ये देखें, इस तरीके से बनाएं ये शाही टुकड़ा, हमारे तरीके से बनाएं, ज़रूर से बनाएं, हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से सर्व करें या फिर इस तरीके से, तो ज़रूर बनाएं, हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी डिश को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप ये ज़रूर से बनाएं। अल्लाह हाफिज़।